खबर कोटद्वार से है, जहां डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के खेल मैदान में कबड्डी मैच खेले जाने को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष व महाविद्यालय के क्रीड़ा अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इसी बीच छात्र संघ अध्यक्ष ने क्रीड़ा अध्यक्ष के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। साथ ही आज कोटद्वार महाविद्यालय के पूर्व छात्रों ने कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य से मुलाकात कर क्रीड़ा अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। इसी दौरान पूर्व छात्र संघ ने बताया कि एक सप्ताह के बाद क्रीड़ा अध्यक्ष को कोटद्वार पीजी कॉलेज से निष्कासित किया जाए, तो वही कोटद्वार महाविद्यालय के प्रचार ने बताया कि निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष व क्रीड़ा अध्यक्ष के बीच हुई वार्ता का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने एक कमेटी बना दी है और इस मामले में एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट के बाद क्रीड़ा अध्यक्ष के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, उस पर क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष नहीं, विगत पहले तो मैं आपके जानकारी में ये बात रखना चाहता हूँ, विगत दो दिन पहले कोई महाविद्यालय परिसर में भारी तत्व द्वारा एक खेल का आयोजन किया जा रहा था, तो इसके संदर्भ में हमारे जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं अभिषेक अग्रवाल, प्राचार्य महोदय से बात की गई और प्राचार्य महोदय ने कहा कि आप जो क्रीड़ा विभाग के शिक्षक हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, आप उनसे बात कीजिए। तो जब उनके द्वारा जो शिक्षा क्रीड़ा शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, धीरज सिंह जी उनका नाम है, जब उनको अभिषेक ने फोन में जानकारी दी कि कुछ भारी तत्व द्वारा कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, तो उसी संदर्भ में उन्होंने बिना बात के आक्रोशित होकर छात्र संघ अध्यक्ष के साथ अभद्रता की, बहुत बदतमीजी से बात करी, उनको धमकी दी, जिसके संदर्भ में छात्र संघ अभिषेक अग्रवाल द्वारा थाने में भी तहरीर दे दी थी, उसमें कार्रवाई चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं इस कॉलेज में, कई छात्र संघ कहेंगे आप भाई बच्चे हैं ये आपस में, इनमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, महाविद्यालय क्षेत्र का है जी, और हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस पे हमारे सारे लोग काम करते हैं एक व्यवस्था के तहत, और कोई भी बच्चा कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है तो हमारा ये दायित्व तो है कि हम हर बच्चे की प्रॉब्लम को सुने जी। और जो हीरा सिंह जी हैं, क्या ये गेस्टेड पद पे हैं? नहीं, इस समय वो उसमें हैं, गेस्ट फैकल्टी में हैं जी, और आज की डेट में जैसे छात्रों के द्वारा कहा गया कि इनपे तुरंत बुला करके इनको वो करें, तो अभी हमारे जो इंटर कॉलेज टीटी कंपटीशन चल रहा है, उनका रन महाविद्यालय ऋषिकेश में, वो टीम लेके वहाँ गई हुए हैं, उनके आने के बाद और पॉलिसी इस पर कमेटी बना करके और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पर कार्रवाई।